नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अग्रवाल आज फिर आपके सामने एक नए बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कोल्ड स्टोर से संबंधित कुछ जानकारियां। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि फूड रिटेल कंपनियों का धंधा लगातार बढ़ रहा है, विदेशी कंपनियां भी इसकी ओर कदम बढ़ा रही हैं। ऐसे में आपके पास निवेश योग्य अगर रकम है तो आप कोल्ड स्टोर खोलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कोल्ड स्टोर आपके लिए बिजनेस का एक अच्छा जरिया बन सकता है। दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें लगभग कितनी लागत लग जाती है और इसमें कितनी सब्सिडी मिल जाती है। आमतौर पर ये स्टोर 5000 टन क्षमता के होते हैं और इन्हें बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्चा भी आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इस पर 40% लगभग 1,20,00,000 रुपए की सब्सिडी भी देता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टोर खोलने के लिए आपको करना क्या होगा। स्टोर बनाने के लिए आपको पहले इसका प्रोजेक्ट बनवाना होगा, उसके बाद बैंक से लोन पास कराना पड़ेगा, सप्लायर से कूलिंग प्लांट और निर्माण की लागत भी तय करवानी पड़ेगी। बैंक से लोन पास होने के बाद NHB की सब्सिडी के लिए आपको आवेदन करना होगा। भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर NHB 50% सब्सिडी आपको जारी कर देता है, बाकी 50% की रकम कोल्ड स्टोर तैयार होने के बाद दी जाती है। 5000 टन की क्षमता वाला कोल्ड स्टोर के लिए कूलिंग प्लांट पर आपको 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड स्टोर बनवाने के लिए आपको किन किन कंपनियों से संपर्क करना होगा। कंपनीज हैं कैरियर, वॉल्को इंजीनियरिंग, मेट्रो रेफ्रिजरेशन, ब्राइट स्टार एयरकॉन जैसी कंपनियां कूलर प्लांट तैयार करती हैं। कोल्ड स्टोर के लिए उच्च गुणवत्ता की मशीनरी का उपयोग करना चाहिए। इसके रखरखाव पर हर महीने 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च होता है। दोस्तों अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड स्टोर बनवाने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती है। शहर में कोल्ड स्टोर का निर्माण कराने के लिए राज्य के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। अगर स्टोर सड़क के किनारे है तो आपको PWD से, और अगर रेलवे लाइन के पास है तो आपको रेलवे विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड स्टोर खोलने में कितना खर्चा आएगा। 5000 टन की क्षमता के कोल्ड स्टोर के लिए करीब 5400 गज जमीन की आवश्यकता होती है। इसमें 3 चैम्बर होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो से कोल्ड स्टोर बनवाने के लिए तो अनुमति नहीं लेनी पड़ती, लेकिन कूलिंग सिस्टम और भवन निर्माण BIS के नियम कायदे पर बनाए जाते हैं। इसको बनवाने पर कुल खर्च लगभग 3 करोड़ एवं कूलिंग प्लांट पर हर महीने लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो कोल्ड स्टोर से संबंधित थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही आगे न्यू आइडियाज लेकर मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।